मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एंटी करप्शन ब्यूरो को भ्रष्टाचार के मामलों में प्रोएक्टिव होकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम गहलोत ने भ्रष्ट कार्मिकों और संगठित भ्रष्टाचार के खिलाफ भी प्रभावी एक्शन लेने के आदेश दिए। सीएम गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एंटी करप्शन ब्यूरो के कामकाज की समीक्षा की। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में गुड गवर्नेंस की दिशा में काम करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को एंटी करप्शन ब्यूरो महकमे को खंगाला। मुख्यमंत्री ने विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में एंटी करप्शन ब्यूरो की अहम भूमिका है। गहलोत ने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो को स्टाफ एवं तकनीकी संसाधनों से सुदृढ़ बनाने के साथ ही पर्याप्त बजट आवंटित किया गया है ताकि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की राज्य सरकार की नीति को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने में एंटी करप्शन ब्यूरो और मजबूती से काम करे। 2021 में करीब 90% मामलों में अभियोजन स्वीकृति दी गई। लंबित प्रकरणों पर प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लेने के निर्देश। एंटी करप्शन ब्यूरो ने वर्ष 2021 में ट्रैप की 430 कार्यवाही की। ब्यूरो की स्थापना के बाद किसी वर्ष में सर्वाधिक है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने पिछले वर्ष भारत सरकार के 32 अधिकारी भी गिरफ्तार किए, 575 अभियोगों का निस्तारण किया, जो एक उपलब्धि है। वर्ष 2021 में कुल 587 मामलों में अभियोजन स्वीकृति के निर्णय लिए। मुख्यमंत्री ने एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा सजग ग्राम योजना के नवाचार को अच्छी पहल बताया। गहलोत ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो हेल्पलाइन 1064 एवं एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा सोशल मीडिया पर जागरूकता कैंपेन चलाने से आमजन में भ्रष्ट लोगों की शिकायत करने के बारे में जागरूकता बढ़ी है। 1064 पर मिली सूचना के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो को भ्रष्ट लोगों को ट्रैप करने में भी सफलताएं मिली है। आमतौर पर भ्रष्टाचार की शिकायतें नहीं करने वाले लोग अब आगे आकर भ्रष्ट लोगों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। गरीब परिवादियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार का फैसला, 1 करोड़ रुपए के रिवॉल्विंग फंड की स्थापना की। एंटी करप्शन ब्यूरो में सभी रैंक में 239 अधिकारी कर्मचारी लगाए गए। सीएम ने हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर जारी कराए। 1064 हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं फोन। व्हाट्सएप नंबर 9413502834 पर भी मैसेज कर सकते हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में हेल्पलाइन की जानकारी देने वाले पोस्टर चस्पा किए जाएं। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने एंटी करप्शन ब्यूरो अधिकारियों से बात की, उनके अनुभव पूछे एवं विभाग की बेहतरी के संबंध में सुझाव भी सुने। नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।